हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रमुख सुनील सिंह अब सपा के नेता हो गए हैं। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ को भगवान राम और खुद को उनका हनुमान बताकर चर्चा में आने वाले सुनील सिंह समाजवादी होने के बाद यूपी से बीजेपी को उखाड़ने की सौगंध लेते दिखे। आज लखनऊ में हुए सपा के कार्यक्रम में सुनील सिंह ने बीजेपी पर प्रदेश के छात्रों, किसानों और महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सुनील सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ का राइट हैंड माना जाता था। वो साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके चहेते सिपह सालारों में से एक थे, लेकिन हफ्ते भर पहले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से लखनऊ में हुई मुलाकात से उनका मन बदल गया और आज वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए। एसपी नेता सुनील सिंह ने कहा कि साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा अब ये साफ हो चुका है कि प्रदेश के लोगों का बीजेपी के कुशासन की नीतियों से भरोसा उठ चुका है। आज यूपी में बेरोजगारी चरम पर है और उद्योग धंधा चौपट होने की कगार पर है। झूठे वादे करने वाली सरकार पर अब लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए तय है कि 2022 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सीएम योगी के हनुमान अब तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और यूपी से बीजेपी को उखाड़ने की सौगंध भी खा ली है। अब देखना होगा कि सीएम योगी इस पूरी घटना पर क्या बयान देते हैं। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।